तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप बैंगन के नए पौधे तैयार कर सकते हैं एयर लेयरिंग मेथड से। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको किसी सीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एक ही पौधे से काफी ढेर सारे और नए पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करनी है एयर लेयरिंग, किस टाइम पे आप एयर लेयरिंग करें कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए बिना लेट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे टेरेस गार्डन पे लगा हुआ है एक बैंगन का पौधा जो कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल पुराना है, और यहाँ पर अभी हम एयर लेयरिंग से इसके नए पौधे तैयार करेंगे। एयर लेयरिंग से नए प्लांट तैयार करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपको इसके सीड मार्केट से परचेज नहीं करने पड़ते हैं, और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज होती है वो ये होती है कि ये बहुत ही कम टाइम में फूल और फल देने लगते हैं। जो मेरे एरिया का वेदर टेम्परेचर है वो 25 से 35 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है। तो अगर आप बैंगन के पौधे पर और सेम इसी तरीके से आप मिर्ची के पौधे पर, शिमला मिर्च के पौधे पर एयर लेयरिंग करते हैं तो भी आपको रिजल्ट मिल जाता है। बस अगर आपको एयर लेयरिंग करनी है तो आपको याद रखना है मॉनसून सीजन सबसे बेस्ट टाइम होता है। अदरवाइज जब विंटर सीजन खत्म होने लगता है तब मार्च और अप्रैल के महीने में भी आप एयर लेयरिंग अपने पौधों पर कर सकते हैं, और दूसरा अक्टूबर नवंबर के महीने तक आप इस पे एयर लेयरिंग कर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो तो उस टाइम पे आपको एयर लेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में या तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा या फिर वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो एयर लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट और हेल्दी ब्रांच का सिलेक्शन करना होता है। तो यहां पर मैंने एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली है। तो सबसे पहले हम इस ब्रांच की लीफ को रिमूव करेंगे। और अभी हम इसको थोड़ा सा इसका जो ऊपर का कवर है, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड ब्रांच है, तो जो इसकी ऊपर की छाल है इसको हम रिमूव कर देंगे। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे आपकी एयर लेयरिंग को एक अच्छा रिजल्ट मिलता है और यहां से ही नई रूट डेवलप होती है। तो अभी हम इसके ऊपर लगा देंगे रूटिंग हार्मोन। अब यहां पर मैंने एयर लेयरिंग के लिए जो यूज किया है वो मैंने यूज किया है कोकोपीट। बिल्कुल सूखा कोकोपीट आपको नहीं लेना है, मॉइस्ट कोकोपीट आप ले सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने कोकोपीट का एक बैग तैयार कर लिया है और अभी हम इस पैकेट को ही एयर लेयरिंग के लिए यूज करेंगे। आपको अपने इस कोकोपीट के पैकेट को इस तरीके से लगाना है कि ये आपके इस पॉली बैग में बिल्कुल सेंटर में आए, और उसके बाद हम इसको अच्छे से प्लास्टिक से बांध देंगे और अगले 40 से 45 दिन तक हम इसको इसमें बंधा रहने देंगे। उसके बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे कि हमको इसमें क्या रिजल्ट मिला। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो अभी 44 डेज हो गए हैं पूरे इस एयर लेयरिंग को किए हुए, तो चलिए अभी हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसका रिजल्ट। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर रूट डेवलप होने लगी है, एकदम क्लियर रूट आ गई है, और अब हम अपनी इस कटिंग को पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी हम इस एयर लेयरिंग की मैक्सिमम लीफ रिमूव कर देंगे, जो टॉप पर लीफ है बस हम उनको रखेंगे, बाकी सारी लीफ रिमूव कर देंगे। और इसके लिए जो मैंने पॉट लिया है ये आप देख सकते हैं कि 6 इंच का प्लास्टिक का पॉट है, और आप जिस भी गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल होना चाहिए ताकि आप जो भी पानी दें एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाए। और अभी हम इस गमले में अपनी इस कटिंग को लगा देते हैं। तो अभी हमारा ये पूरा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट, और अब हम इसमें दे देंगे थोड़ा सा पानी और इसको अभी हम अगले 8 से 10 दिन तक रखेंगे पार्शियली शेडेड एरिया में, जहां मॉर्निंग और इवनिंग की 1.5 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो और डे टाइम में सनलाइट का
रिफ्लेक्शन आता हो, और उसके बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, जहां पर इसको दिन की कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी मॉनसून का सीजन है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा पानी ना दें, क्योंकि आपके गार्डन की मिट्टी ऑलरेडी बहुत ज्यादा गीली होगी, और ऐसे प्लेस पर ना रखें कि इस पर बहुत ज्यादा बारिश का पानी जाए, क्योंकि अगर आपने इस स्टेज पे अपने प्लांट को बहुत ज्यादा पानी दे दिया तो आपकी कटिंग सूख सकती है। तो इस तरीके से आप बेहद आसान तरीके से बैंगन के नए पौधे तैयार कर सकते हैं एयर लेयरिंग मेथड से। तो चलिए अभी हम देखते हैं, तकरीबन 1 महीने पहले मैंने 2 पौधे तैयार किए, तो उनका क्या रिजल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा पहला पौधा है जिसको कि मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया था, और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें फूल आने लगे हैं और हमारा ये प्लांट भी बेहद अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। अभी मैंने इसको 6 इंच के पॉट में लगाया है। अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप इसको कम से कम 12 से 15 इंच के पॉट में लगा दें, तो वहां पर ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा और उसके साथ इसमें ढेर सारे फूल और फल भी आएंगे। और क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कलियां भी आने लगी हैं, तो थोड़ी सी अभी हम इसको फर्टिलाइजर भी देंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की सॉइल थोड़ी सी खोद लेंगे और इसमें अभी हम ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि मेरे टेरेस गार्डन पे कुछ सूखी सड़ी हुई पौधों की पत्तियां हैं जिसको कि मैं एज अ फर्टिलाइजर अपने इस प्लांट को दूंगा। इसको यूज करने के 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि ये हमारे प्लांट को ढेर सारा न्यूट्रिशन देंगे, और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे जिससे हमारे पौधे को हमेशा नमी मिलती रहेगी। बाकी आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, फिश मील, सरसों खली, नीम खली, इन सारी फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा दूसरा प्लांट जिसमें कि बैंगन भी लगने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं कि यहां पर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपने अपने बैंगन को ग्रो होने के लिए कितना बड़ा स्पेस दिया है। बैंगन पे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इनको बड़े पॉट की जरूरत होती है, तो कभी भी इनको छोटे पॉट में ग्रो ना करें। इंश्योर करें कि इनको दिन की कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, और याद रखिए कि जब आपका प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर दे तो आपको हर 15 से 20 दिन में इसको बदल बदल कर फर्टिलाइजर देनी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, किसी भी तरीके की इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने टेरेस गार्डन में ना करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में जो भी पहली बार मेरा पेज देख रहा है तो प्लीज इसको फॉलो करें। तो फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।